राह जिंदगी, जिंदगी के नशेबो फराज में मोहब्बत के एहसास से ताजा दम होने के लिए प्रोग्राम सुनिए राह जिंदगी। प्रोग्राम है आपका अपना राह जिंदगी और मैं हूँ आपकी होस्ट रिबा नईम, और आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। कहिए कि आप कैसे हैं और कैसे दिन गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घर के अफराद के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। हम भी आपको बता दें कि हमारी पूरी टीम भी बिल्कुल खैरियत से है और हम हमेशा आपको याद रखते हैं और बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं जब हम आपके साथ मिलकर प्रोग्राम राह जिंदगी के सेगमेंट्स को सुनते हैं। अगर हम अपने आसपास के माहौल और अपने मुआशरे में नजर डालें तो कहीं अमीर अपनी अमारत से और गरीब अपनी गुर्बत से परेशान नजर आता है। जहां गरीबी बहुत से मसाइल की जड़ है, वहां पर अमीरी बहुत सी परेशानियों की वजह है। तो फिर क्या करना चाहिए? ज़बूर नवीस की बहुत ही अच्छी दुआ है कि खुदा, ना तो मुझे इतना मालदार बना कि मैं तुझे भूल जाऊं और ना ही इतना मुफलिस होने दे कि मेरा हाथ चोरी पर दलेर हो जाए। हमें हमेशा खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारी जरूरत के मुताबिक हमें देता रहे। चलिए, हर हाल में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम का आगाज हम हमेशा खुदा के पाक नाम ही से करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं तिलावत कलाम मुकद्दस। ऐ खुदावंद, तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा न होने दे। अपनी सदाकत मुझे रहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा दे। तू मेरे लिए सुकूनत की चट्टान हो, जहां मैं बराबर जा सकूं। तूने मेरे बचाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा कला तू ही है। इंसान अपने जोरे बाजू से, अपनी कोशिश से कितना ही ज्यादा वो जोर क्यों ना लगा ले, कितनी ही ज्यादा वो जद्दोजहद ना कर ले, लेकिन जब तक खुदा उसकी हिफाजत ना करे और खुदा उसे अपनी पनाह में ना रखे, तो फिर उसका अपना जोर, उसकी अपनी कोशिश, उसकी अपनी कुव्वत किसी भी काम की नहीं। कलामे खुदा में लिखा है कि अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगेबान का जागना अबस है। वाकई जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें किसका डर है। यकीनन खुदा ही हमारी हिफाजत करने वाला है और वो ही हमारी पनाह और हमारा कला है। हमारा भरोसा और तवक्कुल अपने जोरे बाजू पर नहीं, किसी इंसानी निगहबान या मुहाफिज पर नहीं, बल्कि अपने खुदा पर होना चाहिए जो हकीकी मुहाफिज है। बहुत ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनते हैं एक गीत। घर को घर ना खुदा ही बनाए, जाया मेहनत हमारी हो जाए, जाया मेहनत हमारी हो जाए। घर को घर ना खुदा ही बनाए, जाया मेहनत हमारी हो जाए, जाया मेहनत हमारी हो जाए। हमारी हो जाए।
शहर का कर नहाफिज खुदा हो, शहर का कर नहाफिज खुदा हो। जाग कर ज्ञान गेहबा बनाए, जाग कर ज्ञान गेहबा बनाए, घर को घर ही बनाए, जाया मेहनत हमारी उदाए, जाया मेहनत हमारी उदाए। बहुत ही खूबसूरत गीत सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा है, भला है खुदा की तारीफ करना, हम्द करना, उसकी सिताइश करना। हजरत दाऊद फरमाते हैं कि खुदा में तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सिताइश करूंगा। 7 बार का मतलब ये नहीं कि वो दिन में सिर्फ 7 बार ही सिताइश करते थे, बल्कि 7 का अदद कामिलियत को जाहिर करता है, और इसका मतलब है कि मैं कामिल तौर पर भरपूर अंदाज में तेरी सिताइश करूंगा। तो हमें चाहिए कि हम भी हमेशा खुदा की हम्द और सना और उसकी तारीफ और सिताइश करते रहें। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं राह जिंदगी, और आप हमें विजिट कर सकते हैं फेसबुक पर भी। हमारी फेसबुक आईडी है जिंदगी अनवर, और हमारी वेबसाइट है www.pcrm.gospelpk.com, और हमारा पोस्टल एड्रेस है, यानी खत लिखने के लिए हमारा पता है, प्रोग्राम राह जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद, पाकिस्तान। अगर आप हमें फोन कॉल करना चाहें या SMS करना चाहें तो हमारा नंबर है 0333-482-5963, या अगर बैरून मुल्क से कॉल करते हो तो 0092-333-482-5963। तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे, और जी हाँ, हम सबका बहुत ही मनपसंद सेगमेंट, मुझे पता है आप बहुत ही बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, आपके इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई, और अब सुनते हैं ड्रामा चिरागे राह, जिसमें इन दिनों हम बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आलात और वाक्यात सुन रहे हैं जो हजरत मूसा और कौम बनी इसराइल की जिंदगी पर मबनी हैं। आइए मिलकर सुनते हैं आज इसकी किस्त नंबर 12। कादर मुतलिक खुदा अपनी बरगुजीदा कौम को हजरत मूसा के वसीले से मिस्र में से निकाल लाया। वो सीना के बियाबान में आ गई, और कोहे सीना पर खुदा ताला ने बड़ी ललकार और बिजली की चमक के साथ हजरत मूसा को 10 अहकाम दिए, लेकिन कुछ लोग हजरत मूसा की कयादत से नाखुश थे। देखो दातन, वो देखो, कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हाँ कोरा, बहुत बेवकूफ है, खुदा के गजब से हलाक हो जाएंगे। नहीं नहीं कोरा, गजब नाजिल नहीं होगा। तुमने सुना नहीं क्या बातें हो रही हैं? भाई बातें तो तरह तरह की सुनी हैं। दातन तुम किस बात का जिक्र कर रहे हो? मूसा ने बताया था, खुदा का हुक्म है कि हारून और उसके दोनों बड़े बेटे नदब और अबीहू कौम के 70 सरदारों को साथ लेकर पहाड़ पर जाए। समझा, तो ये बात है। क्या बात है कोरा? अरे तुम नहीं समझते कि क्या हो रहा है? एक तरफ तो मूसा कौम का सरदार बना हुआ है, और उधर हारून के बेटों को ऊपर ले गया है। तुम उसकी चाल नहीं समझे, अपने भाई की अहमियत बढ़ा रहा है। बस खानदानी मामला है, बादशाह बनने की सोच रहा है। लेकिन कोरा, मेरे ख्याल में ये बात नहीं,
अरे तुम रोबन के कबीले वालों की अकल पर तो पर्दे पड़े हैं, बिल्कुल अंधे हो। मूसा बादशाह बना फिरता है, भला उसे क्या हक है? आप जो सबसे अहम कबीला हैं, उसे बर्दाश्त करें तो करें, मैं नहीं कर सकता। शायद तुम ठीक ही कहते हो, मगर 70 सरदार भी तो उनके साथ हैं। 70 सरदार? 70 सरदार यानी उसके 70 मुरीद। भला मुझे या तुम्हें पहाड़ पर ले जाने के लिए क्यों ना बुलाया, क्या समझे? हारून, जनाब हारून। आइए आइए भाई कोरा, क्या हाल है? एक बात करनी है, थोड़ा वक्त होगा? जरूर जरूर, क्यों नहीं। अभी अभी मैं पहाड़ पर से आया हूँ, वहां तो बहुत ही अजीब तजुर्बा हुआ। वो तो होना ही था, लेकिन हुआ क्या? अरे हुआ ये कि हमने खुदाए कादर का अजीब जलाल देखा, मैं तो बयान नहीं कर सकता। उसके पांव के नीचे नील के पत्थर का चबूतरा सा था, जो आसमान की मानिंद शफाफ था, खूबसूरत, चमकदार, नूरानी। ओह, क्या वाकई, अजीब बात है। लेकिन हमारे सरदार मूसा कहाँ हैं? हाँ, वो वही पहाड़ पर रह गए, वो घटा के बीच में से होकर ऊपर चढ़ गए। ओह, तो तुम सब लोग वहां क्यों ना गए? तुम्हारा मतलब है घटा में? ओ भाई खोरा, अगर आप वहां होते तो ये ना पूछते। चमक, गरज, घटाएं तो पागल हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि खुदा खुद बादलों में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन मूसा काली घटा में से ऊपर जाते हैं, दूसरे क्यों नहीं जा सकते? मेरे भाई कोरा, हम मूसा के बराबर तो नहीं हैं। कहां मूसा, कहां हम। 40 दिनों रात हजरत मूसा खुदा की हजूरी में रहे। उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया। खुदा ने उन्हें खैमा इज्तिमा यानी इबादत का वो खैमा जिसमें खुदा से मुलाकात होती थी, उसके बारे में मजीद तफसीलात दी। उन्हें तरीका इबादत की तफसीलात बताई, कुर्बानगाह और कुर्बानियों के अहकामात और बहुत कुछ बताया। यूं खुदा ताला ने अपनी कौम पर जाहिर किया कि वो किस तरह खुदा को खुश कर सकते हैं और उसके अहद पर कायम रह सकते हैं। इसी दौरान लोगों में मजीद शकूक व शुबात बढ़ते गए। अब हजरत मूसा खुदा की हजूरी में उसके रूबरू हैं। इधर लोगों की बेसब्री बढ़ती जा रही है। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून उनके नायब हैं। वो उम्मत के एक रईस कोरा से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? क्या सुना आपने? हारून भाई, लोग कह रहे हैं कि हमें एक देवता बना दो जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि मूसा को जो हमको मिस्र से निकाल लाया है उसे क्या हो गया है। कोरा, मुझे आपका अंदाज अच्छा नहीं लगा, आखिर आप चाहते क्या हैं? हारून भाई, मैं कुछ नहीं चाहता, ये लोग कुछ चाहते हैं। आप ऐसा करें कि चलें और सुने कि वो क्या कहते हैं। लेकिन भाई हारून, हुआ क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं मरियम, घबराइए नहीं, मुझे कुछ तो करना ही था और सबसे आसान तरीका यही दिखाई देता था। लेकिन ये लोग, ये क्या चाहते थे? लोग खुदा ना करे, वो कह रहे थे कि मूसा वफात पा गए हैं और हमें देवता चाहिए जो हमारे आगे आगे चलें, इसलिए हमें देवता बना कर दो। देवता बना दे? सचमुच ये कहा उन्होंने? हाँ, कह रहे थे कि हमें देवता बना दे। सो मैंने कहा कि तुम्हारे कानों में जो बालियां हैं इनको उतार कर मेरे पास लाओ। वो ले आए और मैंने सोने का एक बछड़ा बना दिया। सोने का बछड़ा? ओह मेरे भाई, उसे तो मिस्री पूजा करते थे और उस पर खुदा की लानत है, अब हम क्या करें? हाँ, लेकिन उसमें फिराउन की पूजा होती थी, इसमें खुदा की परस्तिश है, और कल हम खुदावन के लिए खास ईद भी तो कर रहे हैं। ओ हारून, तुमने सख्त गलती की है, बहुत बुरा किया है तुमने हारून। हाँ
आओ आओ देवताओं की पूजा करें। आओ आओ ईद मनाए। हम इसी तरह मिस्र में पूजा किया करते थे। ओह गोरा क्या हाल है। मुबारक हो हारून भाई, आपने तो बहुत उम्दा इंतजाम किया। अब मूसा तो हमारे दरमियान है नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि लोग अब खुशी से आपकी पैरवी करेंगे। सुन रहे थे किस्त नंबर 12, हजरत मूसा की जिंदगी पर और बनी इसराइल कौम के हालात और वाकयात पर मबनी, के जब वो हजरत मूसा की रहनुमाई में मुल्के मिस्र से रिहा हुए, आज़ाद हुए, तो बियाबानी सफ़र के दौरान क्या क्या वाक़यात पेश आए। बहुत से वाक़यात के बारे में हम सुन चुके हैं और आज का जो वाक़या एक बहुत ही बड़ा वाक़या था और एक बहुत बड़ी गलती और एक बहुत बड़ा गुनाह जो कौम बनी इसराइल से हुआ, यानी अपने खुदा की जगह अपने हाथ के बनाए हुए बछड़े की इबादत करना। बाज़ुकात हमारा मकसद तो खुदा की इबादत करना होता है, लेकिन हम ऐसे तरीके ईजाद कर लेते हैं और ऐसी चीज़ें हम ईजाद कर लेते हैं, अपनी इबादत का हिस्सा बना लेते हैं, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा खुदा की इबादत उसी तौर पर करें जिस तौर पर खुदा को पसंद है और जो उसकी बुजुर्गी के लायक है। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और जी हाँ, आपके खतूत हमारे पास मौजूद हैं, बहुत से SMS भी मेरे सामने पड़े हैं, आइए इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। खत लिखा है सरदार सुहेल अहमद ने और आप सदर हैं सरदार रेडियो लिसनर्स क्लब हजारा के, और आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना बहुत ही लाजवाब था, अछूते मौजूआत से सजाया गया था और सभी सेगमेंट्स बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सुहेल अहमद कि आपने खत लिखा, बहुत ही अच्छा आपने हमें खत लिखा है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हमें मुख्तसरन इसको प्रोग्राम में पेश करना पड़ता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप खुश होंगे कि हमने आपके खत को प्रोग्राम में शामिल किया। मोहम्मद तनवीर मलिक साकी, आपने झंग से हमें SMS किया है और अपना सलाम भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सरदार मुनीर अख्तर जो कि सदर है सतोड़ा लिसनर्स क्लब के और आपका ताल्लुक है रावलपिंडी से, आपने भी लिखा है कि राह जिंदगी प्रोग्राम को अपलोड करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी सुनना शुरू किया है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छे गीत भी नशर किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि सरदार मुनीर अख्तर आपने प्रोग्राम को पसंद किया है। मोहम्मद इदरीस लैया से लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया राह जिंदगी की पूरी टीम, मुबारकबाद की मुस्तहिक है, सेगमेंट्स बहुत ही अच्छे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इदरीस कि आपने लैया से हमें SMS किया और आपने प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ और SMS भी मौजूद है, इनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। राणा जी ने हमें SMS किया है सतलज रेडियो लिसनर्स क्लब और आपका ताल्लुक है बहावल नगर साहब, कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत देर से अपलोड किया गया है तो इस पर कमेंट्स भी देर से देंगे। प्रोग्राम के बारे में तो अब्दुल गफूर कैसर साहब ने सब कुछ कह दिया है और आप कहते हैं कि बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम पेश किया जाता है और अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी कि आपने हमें ये SMS भेजा है। ठीक है भाई, अगर गलती हुई है हमसे तो फिर सजा भी भुगतनी पड़ेगी, अगर आपका प्रोग्राम देर से अपलोड हुआ तो फिर आपने कहा कि जी हम कमेंट्स भी देर से देंगे। खैर हमें इंतजार रहेगा कि कब ये देर खत्म हो और हमें आपके कमेंट्स मौसूल हों। हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द आप अपने कमेंट्स हम तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपने ये भी कहा है कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और इसकी सारी बातें जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद यूनस, आपने भी प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए शुक्रिया कहा है, और अब्दुल गफूर कैसर आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप इसी तरह प्रोग्राम को सुनते रहेंगे, हमें अपने कमेंट्स भेजते रहेंगे, आप इसी तरह से SMS और खतूत भी हम तक पहुंचाते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आईना जब भी बोलता है सच ही बोलता है। जी हाँ, जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो वही नजर आता है जो हकीकत है। तो आज आईना के सामने कौन से दो किरदार खड़े हैं, आइए मिलकर सुनते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? ओहो, क्या अफरा तफरी है भाई। कुछ नहीं सुकून, मैं आई हूँ। तुम कभी आराम चैन से भी बैठा करो बेचैनी। आराम चैन से बैठना तुम्हारा काम है, सो तुम अपने काम में लगे रहो। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो सुकून, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं जहाँ चाहे जा सकती हूँ, और तुम्हें मेरा आना अगर पसंद नहीं आया ना तो चुपचाप हंस पे आदत आंखें मूंदे बैठे रहो। तुम्हारे पास होने से
मैं आराम से कैसे बैठ सकता हूँ बेचैनी? मुझे तुमसे सख्त नफरत है। कैसी अजीब बात है, नाम तुम्हारा सुकून है और तुम्हारे अंदर बेचैनी बोल रही है। मेरे अंदर बेचैनी? सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे अंदर आने की जरूरत तुम कर ही नहीं सकती। ये जरूरत मैं कर चुकी हूँ और देखो मैं कितने मुतमइन हूँ। और तुम? मैं जानता हूँ अब तुम मुझे परेशान करने के दर पे हो, मगर याद रखो बेचैनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि मेरा नाम सुकून है और मैं तो दूसरों के लिए राहत का बाहिस हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाऊँ और उनके लिए आराम का बाइस बनूं। क्या बेतुकी हांक रहे हो, आजकल लोगों के पास इतना वक्त कहाँ जो तुम्हें लेकर बैठे रहें? मैं वक्त ही की तो जरूरत हूँ, चंद लम्हे जिसके पास जाता हूँ वो राहत महसूस करता है। ना, सुकून, वक्त की रफ्तार के साथ पूरा उतरना मेरा ही काम है, ये बात तुम्हारे बस की नहीं है। अफसोस बेचैनी, तुम्हारे वजूद ने लोगों को बीमार करके रख दिया है, तुमसे छुटकारा पाने के लिए बेचारे अद्वियात का सहारा लेने पर मजबूर हैं। तो फिर मानो ना मेरी पावर को, देखो किस कदर कमी हो गई है जमाने में सुकून की। तुम्हारी वजह से इंसान में कुव्वत मदाफत कम हुई है, तुम आहिस्ता आहिस्ता लोगों में तबाही फैला रही हो। आहिस्ता आहिस्ता? मैं कोई काम आहिस्ता नहीं करती, मेरी तेजी देखी नहीं अभी तुमने? ज्यादा तेजी ना दिखाओ बेचैनी, ज्यादा तेजी ना दिखाओ, तुम मारी जाओगी। मर गए मुझे मारने वाले, ऐसी नौबत अभी आई नहीं। वैसे सुकून, तुम हकीकत से मुंह मोड़ लो तो ये अलग बात है, वरना तुम जानते हो कि दुनिया के लिए तरक्की का बायस हूँ मैं। तुम बायस है तरक्की? हाँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा गौर करो, मैं इंसान को हर वक्त कुछ ना कुछ करने पे उकसाती रहती हूँ, और जो कुछ ना कुछ करता रहता है वो आखिर कामयाब हो जाता है। बेसुकूनी, बदहाली और बीमारी को तुम कामयाबी का नाम दे रही हो? बदहाल वो होता है सुकून जो सिर्फ आराम चाहता है। आराम भी जिंदगी का एक हिस्सा है बेचैनी, अगर तुम जिंदगी से किसी तरीके से निकाली जा सको ना तो जिंदगी वाकई सही डगर पर चल सकती है। अच्छा, किसकी हिम्मत है जो मुझे जिंदगी से निकाल सके? मैं ऐसा कर सकता हूँ और करके रहूंगा। तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या, तुम तो मियाँ अपनी खैर मनाओ, तुम्हें खत्म करने मैं खुद आ रही हूँ। सुना तुमने, मैं आ रही हूँ, मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो, क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सुन रहे थे सेगमेंट आईना। भाई आप इतनी ज्यादा बेचैनी का मुजाहिरा मत कीजिए। जी हाँ, मुझे पता है मौसीकी का वक्त है, सॉन्ग भी आपको सुनवाते हैं, जरा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स और सुकून का सांस लें। जी हाँ, दुनिया में अफरा तफरी और बेचैनी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन सुकून की अपनी एक अहमियत है, और सुकून के एक लम्हे के लिए भी इंसान तरस जाता है, और जब वो लम्हा नसीब होता है तो बहुत ही ज्यादा पुरसकून अपने आप को इंसान महसूस करता है। तो चलिए भाई, इस बेचैनी और सुकून की जो ये कशमकश है इसको खत्म करते हैं। सहती है फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। होशियार सहती है फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी क्या कहती है।
किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। सुनो तुम मन मीत कोई मन का चुनो तुम कुछ भी कहेगी दुनिया दुनिया की छो। सुन रहे थे मौसीकी। उम्मीद है कि आज का इंतखाब आपको पसंद आया होगा। आज के सारे प्रोग्राम को आपने हमारे साथ मिलकर सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे और प्रोग्राम को सुनते रहेंगे। प्रोग्राम के सभी सिलसिलों को समेट चुके हैं और आखिरी एक बहुत ही अहम हिस्सा, जी हाँ, आपके साथ मिलकर दुआ करने का हिस्सा भी बाकी है। लेकिन प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी खुदा हमें देता है उसमें हम मुतमईन रहें और खुदा का इत्मीनान जो है वो हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहे। ना तो हम बहुत ज़्यादा का लालच करें और ना ही किसी चीज़ की कमी पर गिला या शिकवा करें। खुदा जिस भी हाल में हमें रखता है वो उसकी हिकमत है और उसकी हमारे लिए मसलहत है। हमें हर हाल में खुदा का शुक्र करना चाहिए। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। ए खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ही हमारी पनाह है और तू ही हमारा कला है। तू हमारा अच्छा मुहाफिज है जो ना ऊँघता है ना सोता है। तेरे शुक्र हो कि तू हमें संभालता है, हमारी फिक्र करता है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और अपनी ख़ास परवरदिकारी को हम पर कायम करता है। प्रोग्राम राह ज़िंदगी के सभी लिसनर्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो नेमते और बरकतें तूने सबकी ज़िंदगी में अता की हैं उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में, ख़ानदान में कोई कमी है तो वो यस्सू के नाम से पूरी हो। और इसी तरह तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तमाम ज़रूरियात को अपने इलाही खजाने से पूरा फरमा। दाने पानी में, रुपये पैसे में तेरी बरकत हो, हर तरह से संभाल मुहाफ़ज़त कर। ये दुआ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट रीबा नईम को। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।